एवरीवन, वेलकम बैक टू आर नॉलेज सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो इन सीआरपीसी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, दैट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोस ऑफेंसेस व्हिच आर मोर सीरियस इन नेचर एंड मोस्ट हीनियस नेचर, and mostly these cognizable offenses are non-bailable offenses and in which the punishment is for more than 2 years. So if we classify cognizable offense in more on a detailing part, so cognizable are those offenses which are related to something which are more heinous and the crime is more serious, like murder, attempt to murder, dacoity, like those things that are very heinous. That is more, the seriousness of the crime is level high. And on the other hand, non-cognizable offense that has been defined under section 155, information in cases of cognizable offense that has been defined in section 155. So non-cognizable offenses are those offenses which are less heinous and less dangerous in nature, and those for the punishment of those crime must be less than 2 years. And it is basically all types of bailable offense come under this head, non-cognizable. So what section 154 says, it talks about the information in cognizable cases. Basically, we in simple language we call it as FIR, that first information report has been instituted on a criminal case under section 154 only, if it is then non-cognizable. If it is non-cognizable, then it has been instituted under section 155. So what section 154 says is, the person giving the information relating to the offense, मतलब जो भी आदमी है जो उसके कुछ भी offense के होने के लिए information दे रहा है, it must be in writing, वो writing में होना चाहिए, या फिर oral भी हो सकता है, लेकिन उसको एक इसको note करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है अपने इंडिया में कि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो बताना तो जानते हैं, चेहरा देखा तो है उन्होंने, देख के बता तो सकते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ। मान के चलिए कि अगर एक गांव में कोई ऐसी कोई वारदात हो जाती है जिसको गांव के लोग जो है एक पेपर पर लिख के नहीं बता सकते, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो वो बोल के तो बता सकते हैं। इसलिए इस वाले सेक्शन में इस चीज़ को इंस्टीट्यूट किया गया है कि इट मस्ट बी राइटिंग और ओरल, बट इट मस्ट बी नोटेड बाय द पुलिस ऑफिसर कंसर्न अथॉरिटी, मतलब ज़रूरी नहीं है वो कोई भी हो सकता है, एंड इट मस्ट बी साइन बाई द इन्फॉर्मेंट। अब अगर बहुत जगह ये बात होती है कि ये साइन क्यों कराते हैं, साइन इसलिए कराते हैं कि कल को वो आदमी उस चीज़ से जो अपना कहा हुआ चीज़ है उससे मुकर नहीं जाए। तो इसलिए अगर कोई FIR की कॉपी को साइन करने से मना कर देता है जो कि इन्फॉर्मेंट है, जो कि FIR को ही बता रहा है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसके खिलाफ पुलिस को भड़काने के लिए 188 में, सेक्शन 188 ऑफ द IPC में कार्रवाई हो सकती है। अब जो कॉपी होती है क्या नाम से ऑफेंस की, जो भी कॉपी जो जिस भी टाइप का ऑफेंस हुआ होता है उसकी FIR की कॉपी देना ज़रूरी है, जो भी इन्फॉर्मेंट है या फिर जो भी एक्यूज पार्टी है उसको FIR की कॉपी मिलना उसका मैटर ऑफ राइट है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो पुलिस के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है और वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक एप्लीकेशन लिख के दे सकती है। अब इसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस अथॉरिटी अगर आपकी FIR लिखने से मना कर देती है तो आप क्या कर सकते हो, तो फिर उस केस में आप पुलिस SP के पास में जा सकते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में अप्रोच कर सकते हो उस अथॉरिटी को कि ये पुलिस ऑफिसर हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है। आपकी कंप्लेंट पे, आपकी एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट पे SP या तो खुद उस इन्वेस्टिगेशन को हेड करेगा या फिर वो आपके लिए कोई दूसरा सबॉर्डिनेट ऑफिसर अपॉइंट करेगा। ये क्लॉज 3 में इसके बोला गया है 154 के। अगर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कराया जाए जो कि आया था, उसके बाद में इस 154 में ए और बी क्लॉज भी ऐड कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी वुमेन पे, अगर कोई महिला पे कोई भी अपराध होता है या महिला से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध होता है, तो उसके लिए अगर महिला वो स्टेटमेंट दे रही है तो उसके लिए फीमेल ऑफिसर ही अपॉइंट करी जाएगी। मतलब एज पर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इफ एनी ऑफेंस रिपोर्टेड अगेंस्ट वुमेन ऑफ सेक्सुअल नेचर, FIR must be write by the woman police officer and it can be videographed as per the Criminal Amendment Act of 2013. मतलब अगर किसी भी महिला पे कोई तरह का शारीरिक शोषण का मामला सामने आता है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो पुलिस महिला अधिकारी ही लेगी,
और उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा अगर उस महिला का कंसंट है तो, जिससे एक एविडेंस उसके लिए सामने के सामने बढ़ जाए, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस बहुत बड़ा ऑफेंस होता है अपने आप में। अब अगर हम सेक्शन 155 की बात करें तो वो बोलता है, वो डील करता है इन्फॉर्मेशन इन केसेस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि लेस सीनियस एंड लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं, जिसमें मोस्टली पनिशमेंट जो होती है 2 साल तक की पनिशमेंट होती है, और इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाता है। अब बात करते हैं तो व्हेन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिपोर्टेड देन द पुलिस इन चार्ज मस्ट रिफर इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस अथॉरिटी के पास में ये पावर होती है कि वो उसका कॉग्निजेंस ले ले, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट के पास में उस एप्लीकेशन को पहले उनको पुलिस ऑफिसर को देना पड़ता है। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट एन मजिस्ट्रेट परमिशन। मतलब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता था तो उसमें पुलिस जो थी वो विदाउट मजिस्ट्रेट की इन्फॉर्मेशन को एक्ट कर सकती थी, विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन पे उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती, किसकी? कॉग्निजेबल की। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके लिए पुलिस अथॉरिटी को पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ेगी। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि अपने अगर आस पड़ोस में कोई केस हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि अभी इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होगा या पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी, तो वो इसीलिए ही लगती है मजिस्ट्रेट की परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है अपन को जब अपन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। द सेम पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर वेस्टेड इन पुलिस वंस दे आर परमिशन और ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। अब अगर जैसे ही मजिस्ट्रेट परमिशन दे देता है वैसे ही पुलिस के पास में सारी पावर आ जाती है जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास में रहती है इन्वेस्टिगेशन करने की। अगर मजिस्ट्रेट उस नॉन कॉग्निजेबल में परमिशन दे देता है तो सारी पावर वही जो कॉग्निजेबल में थी वही पुलिस के पास में आ जाती है, बट इसमें अब वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कभी कभी ऐसा रहता है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता। वेयर देयर मोर देन वन ऑफेंस एंड बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर रिपोर्टेड देन द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर एज कॉग्निजेबल। अब बहुत अच्छा सवाल ये है कि बहुत बार क्या होता है कि दोनों तरह के क्राइम करे जाते हैं किसी एक सिंगल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल भी होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल भी होते हैं, तो फिर उसको किसकी तरह ट्राई किया जाए, उसको किस ऑफेंस के अंडर कैटेगरी में माना जाए, तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में माना जाएगा क्योंकि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन बड़ा क्राइम कौन सा? कॉग्निजेबल। अगर मान के चलिए किसी ने मर्डर करा और मर्डर करके वो भागा और उसने किसी आदमी रोक रहा था उसको, तो उसने उसको चांटा मारा और फिर उसने आगे जाके कोई थेफ्ट कर लिया छोटा मोटा या कुछ भी किया, ऐसा ऑफेंस जो कि विद इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, तो फिर उसके लिए जो ट्राई होगा, जो उसका ट्राइबल इशू होगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा क्योंकि वो मर्डर करके निकला था और मर्डर बड़ा क्राइम है, तो उसको एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंस ऑफेंडर ट्रीट किया जाएगा, ना कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंडर। ये अब FIR की बात करते हैं। एलिमेंट FIR क्या होता है? एनी सेक्सुअल ऑफेंस रिपोर्टेड अगेंस्ट अ वुमेन सो द होल मैटर इज हैक्ड बाय द वुमेन्स पुलिस ऑफ हैंडेड बाय द पुलिस वुमेन पर्सन, इफ नॉट शी इज नॉट इन कंडीशन टू स्पीक देन अ वुमेन वन ऑन हिज बिहाफ कैन बी अपॉइंटेड एंड हिज ट्रीटमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154(a) and (b). इफ इन्फॉर्मेंट डज नॉट साइन द FIR इट कैन बी कमिटेड अंडर सेक्शन 188। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं FIR के, मतलब ऐसा होता है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि FIR जो कि होती है कि जल्द से जल्द कराना अनिवार्य वो होता है कि अगर आज आपके साथ में क्राइम हुआ है तो आप अगर आज की आज अगर आप FIR कराओगे तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि डिले को आप मान सकते हो कि हाँ ठीक है कि ये डिले हो गया है, तो उसके एक एक्सेप्शन अपन कह सकते हैं कि है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ क्राइम, कि क्राइम किस नेचर का। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा क्राइम हो गया जो एक पूरी फैमिली को या उस इंडिविजुअल को जिसके खिलाफ में वो क्राइम हुआ वो पूरा शॉक में है कि अभी वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो पुलिस के आगे फेस कर सके, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ में क्या हो गया, तो इस टाइप के जो भी क्राइम्स होते हैं तो उसमें पुलिस उसको ये एक्सेप्शंस में आता है और पुलिस उसको कंसिडर करती है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल रीजन। अब प्रैक्टिकल रीजन मान के चलिए कि अगर किसी का मर्डर हुआ या कुछ हो, कुछ ऐसा क्राइम हो गया जिसकी वजह से जैसे कि फैमिली पूरी शॉक्ड हो गई है, मतलब अगर उनको पहले दूसरी चीज़ नेसेसिटी, अगर मान के चलिए किसी ने किसी को मारा बहुत बुरी तरह से मार दिया, तो अब पहले तो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा ना,
उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, सारी चीज़ें उसकी करी, तो उसमें मान के चलिए 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे 10 घंटे 1 दिन 2 दिन निकल गया। और उसके बाद में अगर जाके आप FIR कर रहे हो तो पुलिस वाले ये नहीं कह सकते कि आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, अगर वो रीज़न इनफ है तो, क्योंकि उसका रीज़न शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी रीज़न दे दिया कि हम नहीं आ पाए, हम ये नहीं। अगर आप मान के चलिए आपके साथ में क्राइम हुआ था इंदौर में, लेकिन आप जब वहाँ से आके आपको भोपाल में आपने उसके लिए आप FIR कहीं पे भी लिखवा सकते हो, ज्यूरिडिक्शन का ऐसा कुछ नहीं है, FIR आप कहीं पे भी लिखवा सकते हो। तो कुछ प्रैक्टिकल रीज़न होना चाहिए, या मेंटल स्ट्रेस, जैसा कि मैंने बोला कि अगर वो नेचर ऐसा है कि क्राइम का जो कि आप उससे डील कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ में हुआ क्या है, तो वो मेंटल स्ट्रेस, डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक क्राइम हुआ है कहीं पे भोपाल में और आपका पुलिस स्टेशन है मान के चलिए सीओर में या कहीं पे भी, कहीं कोई भी आप अपने घर के आसपास की लोकेशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का आपके पास में कम्युनिकेशन या कुछ ट्रैवलिंग वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है कुछ भी कि आप वहाँ तक जा सके, तो आपको डिले हो गया, तो वो भी है। बैड वेदर, अगर पानी बरस रहा है या तूफान आ रहा है या कुछ और, या फिर आपको किसी ने थ्रेटन किया है कि अगर तुम पुलिस में गए तो हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हारी फैमिली वाले को मार देंगे, तो आप उसके डर के कारण नहीं गए, तो ये जो हैं 5-6 5-7 कारण हैं जिनकी वजह से अगर डिले होता है FIR में तो आप उसको पुलिस उसको कंसिडर करेगी। अब एक और चीज़ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि FIR को एक सब्सटेंशियल एविडेंस मान सकते हैं कि नहीं। अब दो तरीके से एविडेंस होते हैं, एक सब्सटेंशियल एविडेंस, इज कॉन्क्लूसिव एविडेंस। सब्सटेंसिव एविडेंस क्या होता है ना, बहुत बेसिक सेंस में समझा रहा हूँ आपको, सब्सटेंसिव एविडेंस ये होता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ना, कि एक से दूसरा, दूसरे तीसरा चौथे से, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस ये होता है कि उस एविडेंस के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट कर सकते हो, आप उसको पनिश कर सकते हो, लेकिन सब्सटेंसिव बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते। आप एक प्रोसेस आगे पहुंच जाते हो कंक्लूसिव एविडेंस के, आप उसको जोड़ के, सब्सटेंसिव एविडेंसेस को जोड़ जोड़ के आप कंक्लूसिव प्रूफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव एविडेंस है आपके, तो आप उसके ऊपर कन्विक्शन कर सकते हो। तो ये दो तरह के बेसिकली एविडेंस होते हैं। अब ये बोला जाता है कि FIR जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस है कि कंक्लूसिव एविडेंस है, तो FIR जो की है वो ना तो सब्सटेंशियल एविडेंस है ना तो कंक्लूसिव एविडेंस, वो एक पीस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी एक अक्यूज को आप केवल FIR के बेसिस पे ना तो उसको आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, उसको आप क्या कह सकते हैं उस पर उसको आप कन्विक्ट नहीं कर सकते FIR के बेसिस पे, केवल एक वो एक सस्टेंशन